हेलो दोस्तों, हूँ पीयूष लाखणी। आप सौनू फरीस्थी आ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो आज आप चर्चा करवा जाई रहा है एक एवा यूनिट पर के जे प्रेम कथा पर आधारित है। तो आज कोई यूनिट नहीं भणीशू, बट तेमना पर मात्र चर्चा करीशू, तेमनी स्टोरी जोईशू अने तेमना लेखक विषे थोड़ी बाबतों ने जाणीशू। तो चलो शुरू करिए आ लेक्चर। बुझ जाएगी सारी आवाजें और यादें यादें रह जाएगी, वो तस्वीर बचेगी आंखों में और बातें सारी बह जाएगी, वो तस्वीर बचेगी आंखों में और बातें सारी बह जाएगी। आवा बेहतरीन अल्फाज मात्र एकज व्यक्ति लिखी शके छे के जेने आ फिल्म इंडस्ट्री खूब सम्मान पूर्वक गुलजार साहब तरीके ओळखे छे। तो आई थिंक सो तमे पण आ व्यक्ति ने ओळखो ज छो। तो चलो सौ प्रथम तेमनी आपणे थोड़ी बायोग्राफी ने जाणीए। तो गुलजार साहब के जेमनो मूल नाम छे संपूर्ण सिंह कालरा, 18 ऑगस्ट 1936 ना रोज झेलम पाकिस्तान में तेमनो जन्म थयो हतो, परंतु भागला बाद तेओ हिंदुस्तान फरीथी आवी चुक्या हता। तो तेओ बतोर एक कार मेकेनिक दिल्ली में काम करता हता। तेमनो बालपण थी ज शौक लखवानो रहेलो, तो तेओ शायरी स्टोरीज वगैरह एवं बालपण थी ज लखता हता अने तेमा तेमनो खूब ज ऊंडो एवो रस हतो। परंतु आ कार्य तेमना पिताजी ने पसंद न हतुं। तेओ तेमने कहता के आवा कोई कार्य थी, लेखन कार्य थी तू केटलुं कमाई लेशे, तो एनाथी बेटर छे कोई सारी एवी कोई परमिनेंट जॉब शोधी ले अने तारू काम एमा करवा लाग। परंतु तेओ तो शौकीन हता, कहते ना वो भी खुदा के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तो एक दिवस तेमनी मुलाकात थाई छे बिमल रॉय साथे के जेओ एक फिल्म ना डायरेक्टर छे अने एमनी साथे तेओ पोतानी कारकिर्दीनी शुरुआत करे छे। तेमना सॉन्गनी आपणे थोड़ी लिस्ट जोईए, एक नानकड़ी एवी लिस्ट तमने ख्याल आवी जशे शुं छे गुलजार साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल एवुं सॉन्ग के जे आखा विश्वमां धूम मचावी गयुं, यस तो सो 2010 मां जे सॉन्गे ओस्कार एवॉर्ड जीती चूक्यो छे ए सॉन्गनुं नाम छे जय हो। यस 2010 मां ए आर रहमाने आ सॉन्ग क्रिएट करेलू, जेमना लेखक हता गुलजार साहब अने ऑल ओवर विश्वमां ते सॉन्ग सारू एवुं प्रसिद्ध बन्युं अने तेमने ओस्कार एवॉर्ड पण एनायत थयो। त्यार बाद बीजू एक सॉन्ग जे 1980s ना जे सिंगरो छे जेने ए लोको प्रिफर करे छे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, खूब हार्ट टचिंग सॉन्ग छे। अने त्यार पछी गुड्डी फिल्मनुं ए सॉन्ग के जे आजे आपणे प्रार्थनामां सौथी वधारे उपयोग करीए छीए, जे हॉट फेवरिट छे, हमको मन की शक्ति दे मां, सांभळ्युं जशे ने। यस तो आ अमुक एना सॉन्ग्स हता। त्यार बाद हवे वात करीए एवॉर्ड्सनी, तो तेओने 20 फिल्म फेर एवॉर्ड मळी चूक्या छे, 5 राष्ट्रीय एवॉर्ड मळी चूक्या छे अने त्यार पछी वात करीए तो पद्मभूषण के जे भारतनो 3rd સૌથી મોટો એવોર્ડ છે તે પણ પ્રાપ્ત થયો છે। ત્યાર પછી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનો હાઈએસ્ટ એવોર્ડ શ્રી દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ અને મ્યુઝિક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓલ ઓવર વર્લ્ડનો સૌથી મોટામાં મોટો એવોર્ડ ગ્રામી એવોર્ડ એ પણ ગુલજાર સાહેબને એનાયત થઈ ચૂક્યો છે। આ એચિવમેન્ટ એમના વિશે બધું જ કહી દે છે। હવે આપણે એમના દ્વારા લખાયેલી આ સ્ટોરીની શરૂઆત કરીએ। તો આપણું આજનું યુનિટ નંબર 4 કે જે છે ધ એડજસ્ટમેન્ટ સમાયોજન, તેમની શરૂઆત કરીએ। હજારો ઉલઝને રાહો મે ઓર કોશિશે બેહિસાબ, ઇસી કા નામ જિંદગી ચલતે રહીએ જનાબ, ઇસી કા નામ જિંદગી ચલતે રહીએ જનાબ। सिद्ध हस्त लेखक गुलजार साहब द्वारा लिखित आ वार्ता ना नायक छे एक नाना,
आ वार्ता आलेखायेली छे आ नानानी दोहित्री रचना द्वारा। नाना अने नानी ने संतान मां मात्र एक ज पुत्री छे अने ए पुत्री ने बे संतान बाद पण तेमना पति बीजा लग्न करे छे अने बीजा लग्न थता तेमना लग्न जीवन में खूबज समस्याओ उभी थाय छे। तो नानी तेमना बन्ने पुत्र ने लईने पोताना घर पाछा फरे छे। नानानुं कैरेक्टर थोड़ू नोटी छे, ए नानी नानी वात में नानी ने टोंट मारे छे, तेमनी साथे झगड़े छे, परंतु प्रेम पण एटलो ज करे छे। टूंक समय नी अंदर नानीनुं मृत्यु थाय छे अने बस दोस्तों अहीं थी स्टोरी नी एक्चुअल मां शुरुआत थाई छे। सुंदर आलेखन नाना नाना पात्रोनुं अहीं करवामां आवेलुं छे। स्टोरी ने कहेनार व्यक्ति आ नानानो मोटो पौत्र छे। तो नानीना मृत्यु बाद नानाना जीवनमां शुं फेरफार आवे छे एमना पर ज आ स्टोरी मुख्यत्वे लखायेली छे। कई हद सुधी एक व्यक्तिनो प्रेम होई शके एनुं सुंदर आलेखन करायेलुं छे। व्यक्ति पोतानी जातने प्रेममां केटलो डूबावी दे छे एनी अहीं चर्चा करायेली छे। तो मित्रों जता पहला गुलजार साहबनी एक दर्दनाक पेशकश हूँ तमने अहीं रजू करवा मांगू छूं। दर्द की अपनी भी एक अदा है, दर्द की अपनी भी एक अदा है, वो भी सहने वालों पे ही फिदा है, वो भी सहने वालों पे ही फिदा है। तो आजनू तमारा माटेनू टास्क के तमने गुलजार साहबनी कई एवी शायरी पसंद छे, तमारी फेवरेट शायरी कई छे ए नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर थी एड करो। आ यूनिट ने जारे मैं एक्सप्लेन करीश त्यारे एमाथी जे बेस्ट शायरी मने लागशे ए शायरी ए लाइन्स ने मैं त्यारे तेमां एड करीश। तो आई होप सो के तमने आ स्टोरी बायोग्राफी पसंद आवी हशे अने आमज अमारी साथे जोड़ाई रहेशो। अने जो पसंद आव्यू छे तो डेफिनेटली एक लाइक तो बंधाय दोस्त सिया। तो मळीए हवे यूनिटनी शुरुआतमां।